अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.12। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर आज हम एक नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, एक नया टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, जो सेट्स पे जो है वो मुश्तमिल है। अब छोटी क्लासों में आपने सेट के बारे में पढ़ा है, सेट क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, लेकिन आज इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, सेट को भी और उसकी टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर आगे टाइप्स की एग्जांपल्स भी, क्वेश्चंस भी, आज हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मीन्स के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू जी। तो हमारे पास फर्स्ट है जी सेट। सेट क्या होता है बेटा? सेट जो है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मीन्स के एक ऐसी कलेक्शन होती है, अजसाम का ऐसा मजमुआ होता है जिसे हम जानते भी हों। ठीक है, ये मुख्तलिफ नंबर्स का मजमुआ होता है, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ होता है, मुख्तलिफ डिजिट्स का सेट हो सकता है, मुख्तलिफ नेम्स का सेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह उसके अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। ठीक है, मीन्स के कोई चीज़ रिपीटेड ना हो, कोई नंबर रिपीटेड ना हो, अगर वो नंबर रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन आप फिर सुन लें। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सेट की डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, फर्स्टली इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है ए। ठीक है जी, अब मैंने चेक करना है इसको। हम सबसे पहले जो सेट है उसको लिखने का फॉर्मेट ये है कि अगर हमने इसको लिखना है, ठीक है, तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, मीन्स के दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हम इसको वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह लिखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह इसको हम क्लोज कर देंगे दरमियानी ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे पास बेटा ये एक सेट है। अब ये कौन सा सेट है? ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, ये पहले 5 कुदरती आदाद का सेट है। तो अगर ये हमारे पास सेट तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो डबल लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, इट इज नॉट अ सेट। क्यों? इसके अंदर ये रिपीट हो गया, ये फिर वो डिस्टिंक्ट वाली बात तो ना हुई। ठीक है, जो हमने कहा था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, मीन्स के मुख्तलिफ नंबर होने चाहिए, ये तो रिपीट है, लेकिन ये सेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 5 कर दें, 6 कर दें, मीन्स के डिफरेंट नंबर होंगे सारे के सारे, तो ये हमारे पास बेटा अब ये सेट है। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करेंगे इसकी सेट की टाइप्स की। सेट की 3 टाइप्स हैं। सेट की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है जी सेट टेबुलर फॉर्म, फिर है सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इनको बारी बारी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये सेट टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, मीन्स के इसके अंदर जो है इसको हम ऐसे जो है कॉमास के अंदर कामा लगा के नंबर्स को लिखते हैं, तो ये सेट टेबुलर फॉर्म है। इसको मैं यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ, सेट टेबुलर फॉर्म। जी बेटा, ये सेट टेबुलर फॉर्म हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और इसी को मैं लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू, अब इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि मैंने इसको बयान करके लिखना है। तो बेटा ये 1, 2, 3, 4, 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसको मैं लिखूंगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा ये सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट की। ये बेटा है, यहीं पे लिख देता हूं, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, ये तो सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। अब इसकी थर्ड टाइप है, ये हमारे पास थी फर्स्ट टाइप, ये थी सेकंड टाइप। अब हम नेक्स्ट जो है इसको, इसकी जो थर्ड टाइप है, जो तीसरी टाइप है, उसे हम डिस्कस करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? उसके अंदर बेटा हमने इसको कुछ ऐसे, इसी ए को मैं लिखता हूं, ए इज इक्वल टू, इसको भी हमने बेटा
करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखना है। इसमें कुछ ऐसे होगा, एक्स एक एलिमेंट है, सच दैट, इसका मतलब है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां बिलोंग करता है, मींस के एक्स कौन से नंबर्स में से है। बेटा ये इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स हैं, मींस के पहले पांच कुदरती आदाद है, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो यहां पे आ गया जी एन, ठीक है। मींस के एक्स एक एलिमेंट है सच दैट, वो किस तरह का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करता है एन के अंदर, इसका मतलब होता है एंड x belongs to natural number and x जो है वो less than equal to 5 होगा। ये हम इसको close कर देंगे। ये बेटा हमारे पास है set builder form, ठीक है। इस means के x एक element है such that x belong करता है natural number में, and इसको मैं थोड़ा वाज़े कर देता हूँ इस तरह, and x less than equal to 5 means के x जो है वो less than equal to 5 है, means के 5 भी उसके अंदर शामिल है, वन से वो वन से स्टार्ट है। अगर मैं ये सिंबल नहीं लगाता नीचे, इसके ये लाइन नहीं लगाता, इसका मतलब है फिर फाइव से लेस, फिर फाइव उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब जो कि मैंने एक लेस देन इक्वल लगाया तो फाइव भी शामिल होगा। ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेटा तीनों टाइप्स जो है सेट की, ये मैंने यहां पर डिस्कस कर दी है, सेट टेबुलर फॉर्म, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं 1.12 के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कहता है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमने मुख्तलिफ सेट्स गिवन है, हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन सेट्स को हमने सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो शो कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। एक फॉर्म सेट की दी हुई है, उसे हमने उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगर टेबुलर फॉर्म दिया है तो उसे बता देगा कि उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि सेट दिया हुआ है, इसे हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेटा इसको हमने क्या करना है, इसको ए इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ये फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये है बेटा फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बेटा इस तरह हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें कहता है कि उसमें हमारे पास बी एक सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड ये 10 भी है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखें ये सेट है किस टाइप का, ये कौन सा किस कैटेगरी का सेट है, ये बेटा ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आ गए हैं। जी तो बेटा ये अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें सी इज इक्वल टू 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 up to so on ± 10 तक है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसके इसको जो है हम इसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स, ये बेटा बिटवीन, ये किन के बिटवीन है, ये बिटवीन -10 एंड +10, ठीक है। ये -10 से +10 के बिटवीन ये नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये, ठीक है। इस तरह हमारे जो थर्ड पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं फर्स्ट वाले, वो इस तरह हो जाएंगे। अब इसी के अगर हम फोर पार्ट की बात करें तो उसमें डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वॉवल्स हैं, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इस तरह हम उसको जो है वो लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर 100 तक, ठीक है, मींस के 100 तक कुदरती आदाद का सेट है वो, ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा।